Hi, this is Sana Khan and you're watching Exposed India. नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। गाजियाबाद के वैशाली में मॉडर्न पब्लिक स्कूल ने अपना 18वां वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। वही इस वार्षिक उत्सव का मुख्य रूपक टैक्सीडिया एक अविस्मरणीय यात्रा थी, जिसमें ना सिर्फ मुख्य अतिथिगण मौजूद रहे बल्कि दर्शकों ने भी इस कार्यक्रम का काफी लुत्फ उठाया। इस उत्सव में मुख्य अतिथिगण के रूप में कमिश्नर श्री सूबे आर, सभापति के रूप में गाजियाबाद के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री सुधीर कुमार सिंह तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री रवि दत्त ने कार्यक्रम में शिरकत की, जिनका स्वागत विद्यालय के विशेष बैंड समूह द्वारा आयोजित मधुर बैंड ध्वनि और पुष्प वर्षा के माध्यम से किया गया। वही विद्यालय के निर्देशक और सह सचिव श्री सौरभ जैन, श्री सुशील जैन तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती नीरजा पाडरू के द्वारा बड़े भावपूर्ण तरीके से किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में श्री नीरजा पाडरू ने मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करने की प्रक्रिया संपन्न की। पहले हमने एक थीम सोची और क्योंकि अभी हमको ISA अवार्ड मिला है ब्रिटिश काउंसिल से, तो हमने सोचा कि ऐसी कोई थीम लें जिसमें बच्चे खुद से कुछ डिफरेंट कंट्रीज एक्सप्लोर करें, उनके बारे में सीखें, उनके कैरेक्टर्स, उनके यहाँ किस तरह की बातचीत है, खाना पीना है, कल्चर है, संस्कृति है, भाषा है, इस सब को वो खुद से सर्च करें नेट पे और उसे अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करें, जो अच्छी चीज़ें हैं वहाँ से सीखें। तो हमने इसी थीम पे काम करते हुए ये एक ग्रीक वर्ड है टैक्सीडिया, इसको लिया कि एक जर्नी है जो निरंतर चलती है। तो इस पे हमने कुछ 7 ट्रैवलर्स चुने जो विश्व के बेस्ट 7 ट्रैवलर्स थे और फिर उनके बायोग्राफी, उनके कैरेक्टर को स्टडी करके निकाला कि मतलब उससे हमें एक पिक्चर सी एक क्रिएट कर ले जिसमें हम इंडिया को भी दिखा पाएं और दूसरी संस्कृति को भी दिखा पाएं। इसके साथ ही कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें स्पेन का टॉप डांस, मैक्सिकन डांस, लावणी जैसे डांसों से बच्चों ने दर्शकों को आनंद से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम का आनंद न सिर्फ छात्र वर्गों द्वारा उठाया गया बल्कि विश्वविद्यालय प्रांगण में आए सभी अभिभावकों ने बच्चों का मनोबल बढ़ाया। ग्लोब पे वर्क किया है बच्चों ने, खुद से ग्लोब को एक सी रूट पूरा बनाया है कि हम अगर इंडिया तक पहुंच रहे हैं तो हम कौन कौन सी कंट्रीज से होते हुए इंडिया तक आ सकते हैं, आपने देखा होगा। तो ये सब एक मतलब हम सबका एक टीम वर्क था जो आज आपके सामने आया। हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो छमाही परीक्षा है उसके बाद से हमने सितंबर के बाद अक्टूबर से इसकी तैयारी शुरू की थी, 15 सितंबर के बाद जब हाफ ईयरली एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और अक्टूबर में हमने
थोड़ा पीरियड्स का टाइम कम करके, जो हमारे 40 मिनट का पीरियड था उसमें से 10 मिनट निकाल कर एक लंबा पीरियड बनाया था एक घंटे का, वहाँ से हमने शुरुआत करी और सबको एक एक जो उनका पीटी पीरियड था, ड्राइंग पीरियड था, उसको एडजस्ट करके एक महीने तक प्रैक्टिस हुई। फिर एक महीने के बाद हमने आधा पढ़ाई पे जोर दिया और आधा कार्यक्रम पे, मतलब आप समझिए कि 6 घंटे में से बच्चों ने 3 घंटे पढ़ाई करी और 3 घंटे तैयारी करी।